वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ऋतु माथुर आज आपके साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करूंगी। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जनरल इंट्रोडक्शन और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिटेल में पढ़ी थी, तो आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। देखिए, दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस आप पढ़ेंगे, एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रबल क्षेत्र संकुल, और दूसरा है वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स यानी कि दुर्बल क्षेत्र संकुल। और ये डिसाइड होता है मेटल की तरफ अप्रोच करने वाले लिगेंड्स की नेचर के हिसाब से। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो मेटल के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, एक जनरल हम एग्जांपल ले सकते हैं MLN, यानी कि एक मेटल है उस पर N नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब अगर हमारा मेटल कॉमन है लेकिन हम उसके साथ अप्रोच करने वाले जो लिगेंड्स हैं, उससे जो अटैच्ड लिगेंड्स हैं, उनको हम चेंज कर दें तो कॉम्प्लेक्स की नेचर भी बदल जाएगी। यानी कि जो लिगेंड की नेचर है वो भी अपना पूरा इन्फ्लुएंस डालेगी उस कॉम्प्लेक्स की इंटेंसिटी में कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वो वीक फील्ड है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डी कक्षकों की जो कि मेटल के पास हैं। तो यहाँ हम जो कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं और मेटल के पास में 5 डी कक्षक हैं। इनिशियली हम ये मानते हैं कि मेटल आइसोलेटेड है और उसकी तरफ अभी लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया है, यानी कि वो लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो इनिशियली जो लिगेंड, जो मेटल के 5 डी कक्षक हैं वो समान ऊर्जा पर हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि मेटल के डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं, समभ्रंश हैं। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करता है तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और आने वाला इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में जाएगा जब तक कि मिनिमम नंबर 5 पूरा नहीं हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो पहले कक्षक में आएगा, पहले डी कक्षक में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में आएगा, तीसरा तीसरे डी कक्षक में आएगा। अभी उनमें युग्मन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 5 तक डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं और वो समान ऊर्जा पर हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का भराव है ये हुंड के नियमानुसार होगा, जो कि आप ऑलरेडी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, यानी कि जब तक समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, वो अयुग्मित ही रहेंगे, क्योंकि ये जो स्थिति है वो मिनिमम रिपल्शन की स्थिति है। अब यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कि हमने 5 डी कक्षक बनाए हुए हैं और इन 5 की जो ऊर्जा है वो बराबर है, समान है, और इसीलिए इनके नीचे ये लिखा है कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये समभ्रंश हैं, यानी कि ये डीजेनरेट हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 5 डी कक्षक हमने बनाए हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। अब जब इसको लिगेंड अप्रोच करता है, यानी कि लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो अब इन डी कक्षकों की जो डीजेनरेसी है वो लिफ्ट हो जाती है और ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ जो हमने एग्जांपल दिखाया है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के रेफरेंस में है। आप देख रहे हैं कि 3 डी कक्षक लोअर एनर्जी पर चले गए हैं और 2 डी कक्षक हायर एनर्जी पर चले गए हैं। जो 3 डी कक्षक लोअर एनर्जी पर गए हैं उनको हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स, यानी कि ट्रिपली डीजेनरेट। T2 का मतलब ट्रिपली डीजेनरेट, 3 डी कक्षक समान ऊर्जा पर हैं। और जो हायर एनर्जी पर गए हैं 2 डी ऑर्बिटल्स, वो हैं DX2Y2 और DZ2। इनको हमने बोला EG ऑर्बिटल्स। ई का मतलब होता है डबली डीजेनरेट, यानी कि 2 कक्षकों की ऊर्जा बराबर है। साथ ही हमने यहाँ पे वर्ड लगाया है ई के साथ में जी और T2 के साथ भी जी। जी का मतलब होता है जीरेड और जीरेड का मतलब है सिमेट्रिकल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, इसलिए हमने ये टर्म यहाँ पे काम में ली है। अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए स्प्लिटिंग
डिस्कस करते तो हम सिर्फ टी टू या ई लिखते, उसके साथ में जी नहीं लगाते। अब आप देख रहे हैं कि टी टू जी और ई जी जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हमने क्या बोला, डेल्टा। और डेल्टा क्या है, विभाजन ऊर्जा या विपाटन ऊर्जा यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी, दोनों तरह के ऑर्बिटल्स के बीच की एनर्जी। अब इसी डायग्राम के साथ में हमने एक और डायग्राम बनाया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लिगेंड चेंज कर दें, यानी कि मेटल वही रखी और उसके साथ में लिगेंड बदल दिया हमने, तो क्या इस विपाटन या इस स्प्लिटिंग पर कोई असर आएगा? तो यस, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमने सेंटर के अंदर 5 डी कक्षक बनाए हुए हैं और राइट हैंड साइड पर जो हमने स्प्लिटिंग शो की है वो ज़्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड पर जो स्प्लिटिंग शो की है वो कम है। इसका रीज़न क्या है कि अगर एक लिगेंड जो कि एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है वो उस मेटल को अप्रोच करता है तो वो लिगेंड इन 5 डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ज़्यादा कर सकता है और इसलिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो आपको ज़्यादा दिख रही है, यानी कि टी टू जी और ई जी ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपको ज़्यादा दिख रहा है, जबकि जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है उसमें ये स्प्लिटिंग कम होगी। और आप देख सकते हैं कि टी टू जी और ई जी के बीच का डिफरेंस जो है वो कम है। अब हम ये मानते हैं कि अगर डेल्टा अधिक है यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी अधिक है तो ये शो करता है कि मेटल को अप्रोच करने वाला लिगेंड कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। जबकि यदि डेल्टा की वैल्यू कम है जो कि यहाँ पर इसी डायग्राम में आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रही है तो वो ये शो करता है कि हमारा जो लिगेंड है वो कैसा है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। अब कोई लिगेंड स्ट्रांग फील्ड है या वीक फील्ड है इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ फॉर लिगेंड्स देखनी होगी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है लिगेंड्स की वो इस हिसाब से अरेंज्ड है कि उसमें बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिगेंड्स की प्रबलता शो होती है। अब यहाँ हम आगे आते हैं, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है किसी मेटल में वो है 4, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से होगी वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में। तो हम पहला जो एग्जांपल ले रहे हैं और पहला जो पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं जिसमें कि डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है। आप यहाँ देख रहे हैं यदि डेल्टा इज़ ग्रेटर देन पाई। नाउ व्हाट इज़ डेल्टा, डेल्टा इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि टी टू जी और ई जी ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ डेल्टा। एंड व्हाट इज़ पाई, पाई इज़ पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन अभी तक अयुग्मित है तो अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन का युग्मन करते हैं तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ नोन एज युग्मन एनर्जी या पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। तो पहला केस हम ऐसा ले रहे हैं जो कि प्रबल फील्ड संकुल का है। प्रबल फील्ड संकुल का क्या मतलब है, आप यहाँ देखिए कि 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, इन 5 डी ऑर्बिटल्स में हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल लिया है, यानी कि ये D4 सिस्टम है। जब ये प्रबल लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आता है तो इसका विपाटन होता है टी टू जी में और ई जी में। अब आप देखते हैं कि टी टू जी के पास सिर्फ 3 कक्षक हैं, ई जी के पास 2 कक्षक हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से कर पाएंगे, यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं डीजेनरेट जबकि ये क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में मेटल नहीं है। लेकिन जैसे ही मेटल लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आती है तो इसका विपाटन हो गया, स्प्लिटिंग हो गई और नीचे 3 टी टू जी कक्षक आपको दिख रहे हैं। अब आप सबसे पहले एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन्स टी टू जी में भर सकते हैं जो कि अयुग्मित रहेंगे। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, वो टी टू जी में युग्मन करेगा या वो ई जी में चला जाएगा और अयुग्मित रहेगा। तो यहाँ जो हमारी पहली स्थिति है वो क्या है, यहाँ डेल्टा की वैल्यू यानी कि
T2G और EG के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है बजाय किसके, युग्मन एनर्जी के, पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ क्योंकि डेल्टा ज़्यादा है तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो T2G के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इन दैट केस उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी पार करनी पड़ेगी EG तक पहुँचने में, बजाय इसके वो T2G में ही युग्मन कर लेगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। तो ये जो एग्जाम्पल है पहला आपको दिया है, इसमें है ये एक प्रबल फील्ड संकुल है क्योंकि लिगेंड आपका प्रबल है। अब यहाँ आप बहुत क्लियरली पढ़ सकते हैं कि चूंकि विपाटन अधिक है, क्योंकि ये प्रबल फील्ड लिगेंड है इसलिए डेल्टा अधिक है, डेल्टा अधिक हो और पाई यानी कि युग्मन ऊर्जा कम है इसलिए आने वाला जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो युग्मन करेगा। इसी तरह से अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी T2G में ही युग्मन करेगा, छठा इलेक्ट्रॉन भी T2G में ही युग्मन करेगा। अब जब सातवां इलेक्ट्रॉन आएगा तब उसको EG में जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब T2G जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर युग्मन हो गया है इसलिए ऐसे जो यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि यहाँ पे स्पिन की पेयरिंग हो गई है और क्योंकि स्पिन की पेयरिंग हो गई है इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घट गया है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने से क्या हो गया कि हम इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घट गए इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कम अनुचुंबकीय है, क्योंकि अनुचुंबकत्व नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बढ़ता है और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं क्योंकि युग्मन होता चला जा रहा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, जिसमें कि डेल्टा यानी कि विपाटन ऊर्जा कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। डेल्टा कम होना क्या शो करता है कि हमारा लिगेंड दुर्बल है। तो अब आप यहाँ पर ये डायग्राम देखिए सेकंड केस का, कि हमने 5 d ऑर्बिटल्स बराबर ऊर्जा पर लगाए हैं इनिशियली जब तक कि क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में मेटल नहीं आया है, और वह है जो 5 d कक्षक हैं उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स कितने ले लिए, 4, क्योंकि हम d4 सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर आपको बराबर अनपेयर्ड दिख रहे हैं। अब जब लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आता है तो ये ऑर्बिटल्स 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, T2G में और EG में, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये विपाटन बहुत कम है क्योंकि हमारा लिगेंड दुर्बल है। क्योंकि विपाटन कम है इसलिए डेल्टा की वैल्यू कम है और उस डेल्टा की बजाय पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो आप यहाँ देखिए कि जब हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग T2G और EG में करनी है तो हम कैसे करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरें, एक 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 करके 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G में आ जाएंगे। अब हमारा प्रश्न ये है कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो T2G में आएगा या EG में जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर डेल्टा बहुत कम है, डेल्टा कम है तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजी में भी जा सकता है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी बैरियर पार करना नहीं पड़ेगा, बजाय किसके कि वो T2G में पेयरिंग करे, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पर युग्मन ऊर्जा ज़्यादा है। तो क्योंकि युग्मन ऊर्जा अधिक है विपाटन ऊर्जा से इसलिए आने वाला जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो युग्मन न करके ईजी में चला जाएगा। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पेयरिंग नहीं हुई है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं इसलिए ये क्या कहलाएंगे, स्पिन फ्री, और इनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। और क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक है इसलिए इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अधिक अनुचुंबकीय होंगे। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और वह लिगेंड्स के नेचर पर डिपेंड करते हैं। साथ ही आप लिगेंड्स की जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आप पढ़िए, उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से लिगेंड्स दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हैं और कौन से प्रबल क्षेत्र लिगेंड हैं। थैंक यू।